आपका क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड दैट, है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई और एक एंगल ले लिया, ठीक है। नाउ तो दिस इज योर लार्जर एंगल एंड दिस इज योर स्मॉलर एंगल, है ना। नाउ तो हमने क्या किया, लार्जर एंगल को ले लिया x डिग्रीज एंड स्मॉलर एंगल को हमने ले लिया y डिग्रीज, ठीक है। नाउ तो बाय दिस स्टेटमेंट आपका क्या आ गया, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, है ना। नाउ अब इसने देखो क्या बोला है, इसने बोला है द लार्जर ऑफ द टू, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, दैट मीन्स वाई से कितना एक्सीड कर रहा है 18 डिग्रीज, दैट मीन्स प्लस 18 डिग्रीज। तो अब आपका ये इक्वेशन कैसे हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्रीज। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ तो इसको अब हम एक साथ लिख लेते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। नाउ दोनों में से एक को एलिमिनेट कर दो तो आपका माइनस वाई प्लस वाई गेट एलिमिनेटेड, है ना। तो आपका क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 18 इज 198। तो x कितना हो गया आपका 198 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 99 डिग्रीज, दैट मीन्स बड़ा वाला आपका 99 है, ठीक है। तो छोटा वाला कितना होगा, वी विल फाइंड आउट। तो आप इसको कहीं पर भी डाल सकते हैं, हम फर्स्ट में ही डाल देते हैं, तो आपका आ जाएगा 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 99, तो आपका कितना आ रहा है, देखो 10 में 9 गया 1, 17 में से 9 गया 8, तो आपका आ गया 81 डिग्रीज, दैट मीन्स स्मॉलर वन इज योर 81 डिग्रीज एंड बिगर वन इज योर 99 डिग्रीज, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको करना है।